नमस्कार, मैं अपूर्वा, आप देख रहे हैं दिव्यांग जगत। आइए बढ़ते कुछ खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ में शनिवार को केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने दौरा किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री और सीएम विष्णुदेव साय ने दिव्य कला मेला की शुरुआत की। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने शुभारंभ समारोह को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा, दिव्य कला मेला दिव्यांग भाई बहनों के आदित्य कौशल और उपमशीलता का उत्कृष्ट प्रदर्शन है। दिव्यांग जनों में प्रतिभा की कमी नहीं है, जरूरत उन्हें प्रोत्साहित करने और आगे बढ़ाने की है। इसी उद्देश्य से केंद्र सरकार दिव्यांग जनों के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं चला रही है। रायपुर में बनेगा दिव्यांग पार्क। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने रायपुर में जमीन मिलने पर दिव्यांग पार्क निर्माण कराने की घोषणा की। मुख्यमंत्री साय ने रायपुर में इस पार्क के निर्माण के लिए 5 एकड़ जमीन उपलब्ध कराने की घोषणा की। सीआरसी में बढ़ेगी सुविधाएं। राजनांदगांव में संचालित राज्य संसाधन केंद्र सीआरसी के नए भवन बनने के बाद वह दिव्यांग जनों के लिए डिप्लोमा, स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ के अन्य शहरों में भी दिव्य कला मेला का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने 16 से 22 अगस्त तक रायपुर में आयोजित दिव्य कला मेला को 23 अगस्त तक आयोजित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस मेले में दिव्यांगजन उद्यमियों और कलाकारों को आने जाने, ठहरने और स्टॉल उपलब्ध कराने की निशुल्क व्यवस्था की जा रही है। सीएम विष्णुदेव साय ने दिव्यांगों के विकास की कही बात। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस अवसर पर कहा कि दिव्य कला मेला में दिव्यांगजन की रचनात्मक कौशल और सृजनशीलता को एक मंच दिया है, जिससे वे अपने उत्पादों को देश विदेश में प्रदर्शित कर सके। दिव्य कला मेला के पिछले सफल आयोजन ने न सिर्फ दिव्यांग जन की भागीदारी को बढ़ावा दिया है, बल्कि उनके आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण को भी सुनिश्चित किया है। दिव्य कला मेले में ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग हिस्सा लें। इसके साथ ही दिव्यांग जनों के बनाए उत्पादों को खरीदें, ताकि दिव्यांग जनों के सशक्तिकरण में सहायता मिले। यह मेला दिव्यांग जन के लिए न सिर्फ आर्थिक सशक्तिकरण का माध्यम है, बल्कि सामाजिक समरसता का एक महत्वपूर्ण स्तंभ भी है। विष्णुदेव साय, सीएम छत्तीसगढ़। अरुण साव ने दिव्य मेले में क्या कहा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के लिए इस मेले का आयोजन एक ऐतिहासिक अवसर है, जिसमें 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के दिव्यांग उद्यमी और कलाकार अपने उत्पाद लेकर पहुंचे हैं। समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़ी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में पहली बार दिव्य कला मेला का आयोजन किया गया है। छत्तीसगढ़ के दिव्यांग जन यदि कुछ नया सोचते हैं तो राज्य सरकार उन्हें अपने सपने को साकार करने के लिए प्रोत्साहन देगी। छत्तीसगढ़ में दिव्यांग जनों के लिए कितनी योजनाएं। छत्तीसगढ़ में दिव्यांग जनों को सशक्त बनाने के लिए 12 योजनाएं संचालित की जा रही हैं। कार्यक्रम में आकांक्षा इंस्टीट्यूट के दिव्यांग विद्यार्थियों ने मनमोहक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। मुख्यमंत्री ने इन विद्यार्थियों को पुरस्कार स्वरूप 51,000 रूपए की राशि का चेक दिया। केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री ने दिव्यांग जनों को कई सौगातें दी हैं। ये हम सब लोगों की सामूहिक जिम्मेवारी है। विभाग के साथ साथ दिव्यांगजनों के प्रति केवल केंद्र सरकार और राज्य सरकार की अकेली जवाबदेही नहीं होती है, इसमें समाज को भी आगे आना होगा, सामाजिक संस्थाओं को भी आगे आना होगा, जनप्रतिनिधियों को भी आगे आना होगा, हमारे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों को भी आगे आना होगा। जब पूरा समाज एक साथ, जो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो दिव्यांगजनों को भी जहां सशक्त बनाना है, उनका साथ भी लेना है। 2047 में जो भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं, उस सपने को साकार करने की दृष्टि से ही सीआरसीओं के केंद्रों को सशक्त बनाया जा रहा है, नेशनल इंस्टीट्यूट को सशक्त बनाया जा रहा है। हमारे देहरादून में राष्ट्रीय दृष्टिबाधित दिव्यांग जो हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर क्लिनिकल साइकोलॉजी की पढ़ाई पहली बार दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए पूरे देश में वहाँ पर इस वर्ष से वहाँ पर प्रारंभ की गई। वहाँ पर साइंस की और मैथ्स की क्लासेज 11th 12th के विद्यार्थियों को शुरू की गई है। अब कई बार लोग कहते थे कि आप लोग ये शुरू कर रहे हैं, साइंस की क्लासेज बच्चे कैसे पढ़ेंगे, तो वहाँ पर परखने लिए पर और जार पर ब्रेल लिपि का उपयोग करके बच्चे जो पढ़ते हैं वो उभरे हुए लक्ष्य ब्रेल लिपि के वहाँ पर लगाए गए हैं। आज वहाँ पर बच्चे बहुत अच्छे ढंग से साइंस को मैथ्स की पढ़ाई कर रहे हैं। वहाँ पर क्लिनिकल साइकोलॉजी में और 3 बच्चों ने पहले उसमें बैच में एडमिशन लिया है। एक चंडीगढ़ की बच्ची है, एक तमिलनाडु का बेटा है, एक महाराष्ट्र का बेटा है। तो इस तरह से नए नए प्रयोगों के माध्यम से दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए
हम सब लोग सामूहिक रूप से प्रयास कर रहे हैं। भारत सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा दिव्यांगजनों के आर्थिक सशक्तिकरण की दृष्टि से दिव्य कला मेलों की शुरुआत की गई। आज का ये रायपुर का जो मेला है ये उस कड़ी में 17वां दिव्य कला मेला है। इसके पहले देश के विभिन्न अंचलों में, कभी साउथ में, कभी दिल्ली में, कभी गुवाहाटी में, कभी जयपुर में, कभी बेंगलोर में, कभी भुवनेश्वर में, ऐसे अलग अलग स्थानों पर, और जिस स्थान पर ये दिव्य कला मेले का आयोजन किया जाता है उसके आसपास के राज्यों के दिव्यांगजन, उनको आने जाने में असुविधा ना हो और वो आसानी से उस केंद्र पर पहुंच सकें, इसलिए अंचल के अनुसार ये दिव्य कला मेलों का आयोजन किया जाता है। हमारे देश में दिव्यांगजनों के अंदर कला होती है, प्रतिभा होती है, वो अपने घरों पर रहकर अलग अलग तरह की चीज़ों को बनाते हैं, लेकिन उनको विक्रय के लिए प्लेटफार्म उपलब्ध नहीं हो पाता था। ये दिव्य कला मेलों की शुरुआत दिव्यांगजनों के द्वारा निर्मित सामग्री को एक विक्रय के लिए प्लेटफार्म उपलब्ध कराने के साथ ही साथ इससे राष्ट्रीय स्तर पर उनकी एक पहचान भी जाती है और उनको ई कॉमर्स के साथ में भी जोड़े जाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि ई कॉमर्स के साथ में जोड़कर आंध्र प्रदेश का व्यक्ति पंजाब में, पंजाब का व्यक्ति महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र का व्यक्ति शिलांग में भी अपने सामान को बेच सके। दिव्यांगजनों ने देखा कि तरह तरह की चीज़ें हमारे घर के उपयोग की चीज़ों को उनके द्वारा बनाया जाता है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 पारित होने के बाद जहां दिव्यांगता की श्रेणियों को 7 से बढ़ाकर 21 किया गया, वहीं सरकारी नौकरियों में भी उनके आरक्षण को बढ़ाया गया, शासकीय स्कूलों में भी उनके एडमिशन का जो परसेंटेज था उसको भी 3% से बढ़ाकर 5% किया गया, सुगम्य भारत अभियान की भी शुरुआत की गई जिसमें अस्पताल, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, गवर्नमेंट के ऑफिस, एयरपोर्ट, ऐसे सभी स्थानों पर जो सार्वजनिक महत्व के स्थल हैं उन पर रैंप, उन पर लिफ्ट, उन पर ग्रिल, इस तरह की चीज़ों को, शौचालयों का निर्माण दिव्यांगजनों की सुविधा के अनुसार, ये आज के दिव्य कला मेले में, दिव्य कला मेले के साथ ही साथ 22 तारीख को दिव्य कला शक्ति का भी आयोजन किया जाने वाला है जिसमें हमारे दिव्यांगजनों के द्वारा उसमें गीत का, संगीत का, नृत्य का आयोजन उनके द्वारा किया जाएगा। अब तक की खबरों के लिए बस इतना ही। आगे हमारी खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।